हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पल्सर बाइक है। ये पल्सर बाइक में चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लगाना चाहें तो आराम से ये लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ये भी मैं आपको बता दूं। थोड़े से वायर की आवश्यकता पड़ेगी और एक टेप की जरूरत पड़ सकती है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पड़ेगा। एक स्विच अगर आप लगाना चाहें तो स्विच लगा सकते हैं, नहीं तो उसी वायर से भी काम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको आगे पीछे वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए आगे पीछे वीडियो लगाई गई है। इस वजह से आप जरूर से जरूर इसमें ध्यान दें और अच्छी तरीके से देखें। वीडियो अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि वीडियो नहीं समझ में आई, प्लीज़ दोबारा इसको रिट्राई कर दें। तो मैं इसमें दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पल्सर बाइक है। जी हाँ, पल्सर बाइक है। और ये इसमें क्या करना है अभी हम लोगों को, इसमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पल्सर है बजाज की, 200 CC की। और ये अपने समय में बहुत ही पॉपुलर बाइक थी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर LCD और कुछ और भी अदर इसके जो वेरिफिकेशन है। और इसमें बहुत ही अच्छी बाइक लगी है हमको। ये मेरे फ्रेंड की बाइक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें चारों इंडिकेटर साथ जलाने वाले हैं, जो कि एक इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, और दूसरी साइड का जला कर दिखा दे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कि इंडिकेटर ख़राब है कि क्या है। इस वजह से चारों इंडिकेटर आपको मैं जलता हुआ दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले गद्दी को खोल लेते हैं। तो ये पैनल को खोलने के लिए चाबी लगा करके आपको घुमाना पड़ेगा और पैनल को खोल लेंगे जिधर बैटरी वैटरी लगी रहती है, जिधर से गद्दी खुलती है। इतना तो आपको पता ही होगा, कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लोग गद्दी को सिंपल, पहले जैसा गाड़ी में वायरिंग डायग्राम कंपनी की तरफ से आता है वैसा दिखाने जा रहा है कि ये दो लाइटें हैं L1 L1 डैश, और ये दूसरी लाइटें होती हैं जो एक लेफ्ट की होती है एक राइट की होती है। तो ये L2 हो गई और ये L2 डैश हो गई। इसमें न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट होते हैं, दोनों में कनेक्ट होते हैं। एक पॉइंटर स्विच होती है जो दो दो दिशा दो तरफ मूव करती है। तो एक सप्लाई आती है एक पॉइंटर स्विच से जुड़ जाती है और एक पॉइंटर स्विच की मेन पॉइंट से जुड़ जाती है। इसी तरह दूसरे में होती है, ये आती है, ये पॉइंटर के मेन पॉइंट से जुड़ जाती है। नेक्स्ट आगे जब आप इसको इधर करेंगे तो L1 जलने लगेगा, L2 नहीं जलने करेगी, L1 L1 डैश जलने लगेगा। और जब इसको इधर करेंगे तो ये जलने लगेगा। अब जो हम लोग की वायरिंग है वो बहुत सिंपल है, पहले ही मेन गाड़ी की वायरिंग, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट, फिर मेन स्विच जो लगी होती है गाड़ियों में, अब बात आती है हम लोग की सप्लाई। हम लोग ने जो स्विच ऐड करी है उसके लिए, उसका वो सिंगल फेज स्विच है, ओनली वन वे पे काम करती है। उसके लिए क्या करना है, न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है और इसका पॉजिटिव इसमें ले जाना है और इसका पॉजिटिव इसमें ले जाना है, दोनों को ऐड करा देना है। जब इसकी एक बटन ऑन रहेगी और इसको प्रेस कर देंगे तो ये सप्लाई इससे जाके ये जाके ज्वाइंट हो जाएगी, ये भी ब्लिंक करने लगेगी और ये इसको सप्लाई करने लगेगी और ये भी ब्लिंक होने लगेगी। बस सिंपल सा है जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको चेक करने वाले हैं। तो आइए चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, यहाँ पर एक तरफ का इंडिकेटर है और ये दूसरी तरफ का, दोनों तरफ का आपको इंडिकेटर दिख रहा है। अभी क्या करने वाले हैं हम लोगों के पास जो है चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो वायर है लंबी वाली, इसको स्विच बनाने के लिए इन दोनों वायर को आप देख पाएंगे जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए दोनों को जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से एक इंडिकेटर ऑन कर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों इंडिकेटर जलने लगे हैं, और अगर ये हटा देते हैं तो एक ही तरफ का इंडिकेटर जलेगा। फिर ये देख पाएंगे आप, अछुआ देते हैं जलने लगते हैं, हटा देते हैं तो बंद हो जाते हैं। ऐसे ही आप सिंपल और आसान मेथड, ये कोई भी आपको यूट्यूबर्स नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं, यहाँ से आप एक वायर ले जाइए और एक बटन में छुआ दीजिए। आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको ये दो इंडिकेटर वायर निकाल लेना है, ये ग्रीन वाला और ये भूरा वाला। ये देखिए मैंने निकाल लिया, जैसे मैंने निकाला वैसे आप भी निकाल सकते हैं। और इन दोनों में एक वायर अटैच कर देना है, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे अटैच करना है, आपको कैसे क्या करना है वो सब मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए इतनी लंबी वायर आप एक काट लें और इन दोनों में अटैच कर दें, और फिर एक वायर यहाँ से निकाल करके बटन की ओर ले जाएंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर एक ब्लैक वायर में हल्का सा येलो कलर का दिखाई पड़ रहा होगा आपको ये, तो इसमें क्या करना है आपको, वही जो पीला वाला वायर मैंने अभी आपको दिखाया था ये देखिए उसको अटैच कर देना है, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है। दोनों तरफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो निगेटिव पॉइंट का वायर इसमें भी एक कनेक्ट कर देना है निगेटिव पॉइंट का, वो भी अभी आपको दिखाया जाएगा। पाएंगे यहाँ पर इन्होंने दोनों तरफ वायर एक येलो वायर का प्रयोग किया है पूरे तरफ, और यहाँ पर कुछ एक अलग वायर लेकर के बड़ी वाली जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था वो वायर लेकर के आगे हैंडल की ओर ले जाना है जो बटन में छुआना है। तो इसको बंद कर देते हैं, दबा करके बंद हो गया है, और ये भूरा वाले में येलो कलर की वायर छुआते हैं, तो अभी आप देख पाएंगे ये जो वायर निकल रही है आपकी, ये आपको क्या करना है, ये आपको ले जा करके बटन में छुआ देना है और ये जलने लगेगी। देख रहे थे अभी तक का पल्सर 220F, जी हाँ 2010 के करीब का मॉडल है, और इसमें आपको फोर इंडिकेटर जलाने थे, सिंगल इंडिकेटर से फोर इंडिकेटर जलाने थे। तो उसके लिए आपको क्या करना था, ये दोनों इंडिकेटर वायर आ रहे थे पहले से और ये भी आ रहा था ग्रीन वाला। सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या है, एक लंबी सी वायर ले ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लंबी सी वायर ले ली है, लंबी सी वायर के ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर की लंबी वाली वायर है, और ये जो येलो कलर है ये छोटी सी वायर लेकर के एक ही मिला दिया गया है, जो कि है ब्लैक में येलो और ये ब्लैक में येलो, इन दोनों को येलो कलर से मिला दिया गया है, और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया जाएगा आगे। और अभी मैं आपको चेक भी कराने वाला हूँ कि वो कैसे इन्होंने किया, और आपको वायरिंग डायग्राम कॉपी पे भी बना